आज मैं आपके साथ व्रत में खाए जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप बिना व्रत के भी सुबह के नाश्ते या फिर शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हो। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना ले लिया है। मार्केट में साबूदाने तीन तरह के आते हैं, बड़े साइज के, मीडियम और छोटे साइज के। तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज का साबूदाना लिया है। इसे दो तीन बार पानी बदलते हुए रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे धोने के बाद ये जो सफ़ेद पानी निकला है, ये साबूदाने में पाया जाने वाला स्टार्च है, इसे निकाल देना है। इसे अच्छी तरह से ना निकालने से हमारी खिचड़ी खिली खिली सी नहीं बन पाएगी और साबूदाने एक साथ चिपक जाएंगे। और अब ये मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देते हैं और ढककर इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। छोटे वाले साबूदाने को भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब 4 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से भीग चुका है। इसे उंगलियों के बीच दबाओ तो आसानी से दब जा रहा है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे एक स्ट्रेनर में डाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंगफली के दाने ले लिए हैं। इन्हें बिना ऑयल के ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो लो फ्लेम पर ही इसे मैंने भून लिया है। और अब थोड़ी देर तक भुनने के बाद इनका कलर तो चेंज हो ही चुका है, इनके भुनने की स्मेल भी आने लग गई है। फ्लेम को ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, फैला देंगे ताकि ये जल्दी से थोड़े ठंडे हो जाए। तो जब तक ये ठंडे होते हैं, हम बाकी की तैयारियां भी कर लेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1 टीस्पून चीनी, 10 से 12 करी पत्ते, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर ले लिया है। चीनी ऐड करना ऑप्शनल है, पर इसे ऐड करने से खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। व्रत के लिए बना रहे हैं तो दूसरे किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू को भी छील कर काट कर धो कर ले लिया है। आलू छोटे छोटे ही काटे ताकि ये पकने में ज़्यादा टाइम ना ले। और अब मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हाथों से क्रश करके इसके छिलके निकाल लेंगे। अब मिक्सी की जार में डालकर दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने पीस लिया है। मिक्सी को पल्स मोड पर चलाएं। साबूदाने को वापस उसे मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। साबूदाने से एक्स्ट्रा पानी जरूर निकाल लें, वरना खिचड़ी खिली खिली सी नहीं बन पाएगी। अब इसमें पिसी हुई मूंगफली के दाने डाल देते हैं, सेंधा नमक या व्रत वाला नमक, चीनी और काली मिर्च भी डाल देंगे। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली के दाने साबूदाने में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसे सोख लेते हैं, जिस वजह से खिचड़ी खिली खिली सी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गरम कर लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देशी घी डाल देते हैं। व्रत के लिए बना रहे हैं तो देशी घी का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप व्रत में जिस भी ऑयल का इस्तेमाल करते हो ले लें। और अब घी गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि बघार की सामग्री ना जले। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, इसे चटकने देंगे। करी पत्तों को भी मैंने तोड़कर डाल दिया है, चला देंगे। ग्रेटेड अदरक और हरी मिर्च भी डालकर कुछ सेकेंड तक भून लेंगे। अगर आप इस खिचड़ी को बिना व्रत के ही बना रहे हैं तो इसी स्टेज पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लें। और अब फ्लेम को मीडियम करके कटे हुए आलू डाल देंगे, भून लेंगे। 1/2 टीस्पून सेंधा नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि भूनते हुए आलू में नमक का एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। फ्लेम को लो कर लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें आलू के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो 6-7 मिनट तक भूनने के बाद अब आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे स्पैटुला से काटो तो ये कट जा रहे हैं। तो इस स्टेज पर साबूदाना डाल देते हैं। मिक्स करते हुए इसे हम खुला ही 2-3 मिनट तक भून लेंगे। व्रत के हिसाब से इसमें मैंने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब 2-3 मिनट तक भूनने के बाद हमारी खिचड़ी तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं। एक नींबू भी निचोड़ देंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट व्रत में खाए जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। इतनी खिचड़ी आप घर के 3 से 4 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे सर्व कर लेते हैं। इन नवरात्रों में आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इसे बनाते वक्त आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस खिचड़ी को मीडियम या बड़े साइज वाले साबूदाने से बना रहे हों, तब साबूदाने को 8 से 10 घंटे के लिए जरूर भिगाएं, पर छोटे साइज वाले 3 से 4 घंटे में ही भीग कर तैयार हो जाते हैं। खिली खिली खिचड़ी के लिए साबूदाने को अच्छी तरह से धोकर इसका स्टार्च जरूर निकाल लें। भिगाने के बाद स्ट्रेनर में रखकर एक्स्ट्रा पानी भी निकालना ना भूलें। इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएं, आपकी खिचड़ी भी एकदम खिली खिली सी बनकर तैयार होगी। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।